La 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 la. यहाँ रखी कंघी कहाँ गई? अरे मैं रखना भूल गई भैया। जगह बदल के रख दी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। मैंने सॉरी बोला ना। सॉरी। हाँ अंग्रेज, बड़े अंग्रेजी में बात करने लगी। अब तो सॉरी भी बोल दिया ना। हाँ? कपड़ा मेहनत नहीं करेगा बहन, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। ये कैसा कपड़ा है, एक साल भी ढंग से नहीं चला ये। अरे एक अच्छा कपड़ा था, वो भी पूरा फट गया। भैया तुम फिर से मजाक कर रहे हो? है? अच्छा ऐसा हो गया क्या? ठीक है मैं लाता हूँ। तुम्हारी फटी शर्ट नहीं, मेरा जैकेट। पिछले साल तुमने मुझे अपना जैकेट दिया था, अब मैं कितनी जगह टांका मारूं भैया। एक नया जैकेट मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मैं लाता हूँ। भूलना मत। वैसे लाल कलर मुझे बहुत पसंद है, फूल रहे या डॉट जैसा कुछ हो मुझे अच्छा लगेगा भैया। फूल लाल हो या काला, मुझे तो सब अंधेरे जैसा ही लगेगा ना बहन। छू के समझने में तो तुम माहिर हो भैया, तुम सब जानते हो। कैसा लग रहा हूँ? मस्त लग रहे हो, आईना दिखाऊं क्या? हाँ जल्दी जल्दी। बोलो कैसा लगा? हाँ मेरी नजर लग जाएगी मुझे। तो नजर उतार दूँ क्या? हाँ निकालो निकालो। ए क्यों फालतू बात करती है, जा अंदर जा। लो बेटा कॉफी पी लो। क्या माँ शक्कर नहीं है क्या? चावल दाल से लेकर इमली नमक तक सब कुछ खरीदना पड़ेगा बेटा, ये सब कैसे होगा? खरीदेंगे माँ, ये मरियम मन माता हम पे दया कर दें तो सब कुछ खरीद के लाऊंगा। कब लाओगे? मेरी दवा और मेडिसिन खत्म हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा खाने को भी मन कर रहा है लेकिन इस घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, और ये कुछ खरीद के ला भी नहीं रहे। शक्ल देख अपनी अंधे तू, जब ये मर जाएगा तो इसकी मौत पे कोई नहीं रोएगा। मेरे पता नहीं क्या पाप किया, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे और पूरी जिंदगी इसके भरोसे रहूंगा मैं? जिस दिन ये अंधा हुआ तब से ये सनी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप चुप रहो, काम पे जाने वाले लड़के को डांट रहे हो। हाँ, ये कलेक्टर की नौकरी करने जा रहा है और तुम इसे बैंड बाजी से रवाना करोगी। निकम्मा कहीं का। अब तो चुप हो जाओ। उन्हें बोलने दो माँ, अभी तक मेरे बाप ने मुंह नहीं खोला था, सोच रहा था अब मुझे अच्छा लगा। लक्ष्मी मैं जाकर आता हूँ बहन। मरियम माता आपको ही मेरे बेटे का साथ देना होगा। अरे पुण्यवादी दादी तुम जल्दी आ गई। अरे काशी हो, हमारे जमींदार साहब बाहर से आ रहे हैं। कौन? रघुपति मालिक? कब आ रहे हैं? वो पता नहीं, मुनि ने बंगले में रखे सब पुराने कपड़े दे दिए, अभी शुरुआत किया तो ही शाम तक खत्म कर सकती हूँ। मालिक आते ही मुझे खबर दे देना दादी, साल में एक बार धोती शर्ट मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रघुपति साहब आएंगे तो गरीबों की मदद करेंगे और तुझे भी नहीं भूलेंगे, उनके आते ही मैं तुझे बता दूंगी। ठीक है? ठीक है दादी मैं चलता हूँ। देख के जाना बेटा, देख के। हाँ संभल के। देख के कैसे जाऊं?
हावेरी हो तुम, नहीं आओगे ऐसा सोच रहा था। कहाँ गए? ओ मंदिर गई थी। हाँ भगवान से क्या मांगा, मुझे नजर मिले या शादी होने के लिए? ओ दोनों साथ में, तो तुमने बात करने के लिए मन्नत नहीं मांगी? एक तरह से अच्छा ही हुआ, अगर तुम बात करने लग गई तो मुझे छोड़ दोगी और तुम्हें कोई और ले जाएगा। ए हाथ छोड़ो, अभी मैंने क्या कहा, तुम क्यों नाराज हो गई? सुनो तो हमारी जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है, किसे किसके साथ मिलना है ये बात वो नहीं जानते हैं क्या? क्यों काशी, तुमने कावेरी से क्या कहा, वो नाराज क्यों हो रही है? कौन गणेश भाई हो गया? हाँ मैंने ऐसे ही मजाक किया और ये नाराज हो गई। ओहो ये तुरंत तुमसे शादी करना चाहती है? ओ ऐसा है, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि इससे कोई और शादी करने वाला है। भाई ये गूंगी है इसलिए मेरे पीछे पड़ी है, नहीं तो और किसी के साथ शादी कर लेती। क्यों ऐसी बात करते हो तुम, मजाक हर जगह नहीं चलता है। खेलने और मेरा दुख बताने के लिए इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अरे काशी कैसे हो भाई? ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप अपने लोगों के साथ मंदिर जा रहे हो क्या? मान लिया तुम्हें नजर नहीं, लेकिन किसने कहा? जिसकी नजर है वही कहता है। जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो यार, वैसे आज तुम बहुत जल्दी आ गए हो, तुम्हारी बस तो 8 बजे की है ना? अभी जाए तो बस पकड़ सकते हैं। भाई कितना टाइम हो गया? तुमने एकदम सही टाइम बताया काशी भाई, पूरब से धूप माथे पे जोर से लगी है इसलिए 7:30 बजे है। ये कौन है जानते हो? वलाया पेटी का बेटा है, ये बहुत अच्छा गाना गाता है। ये दोनों शादी करने वाले हैं, इसका नाम कावेरी है। ये दोनों तो हमारे गांव के रोमियो जूलियट हैं। अरे तुम मेरे लिए गाना लिखकर देने वाले थे, क्या हुआ? हाँ मैंने तैयार कर दिया, आप सुनेंगे? हाँ सुनाओ फिर। कैसे मैं बताऊं दिल की ये ताल सुर बदल रहा है, ये कौन है भाई? ये अपना लड़का है, नया है ना? भीड़ में मजा लेने के लिए जा रहे हो, आपका नाम खराब कर देगा भाई। मैं बजाता हूँ। ए ढोल दो उनको, कहाँ से आ गया, सही से लगाना। हट हट हट, अरे संभल के चल। अलगापुरी टिकट सब खड़े हो जाओ, अलगापुरी नीचे उतरो, गांव का नाम और सकल से कोई संबंध नहीं। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, क्या कर रहे हो? हाँ बस रोको गोपाल गोपाल, बस मत निकालो। आओ काशी, तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, चढ़ो। हाँ संभाल के आराम से चढ़ो। हाँ भैया एक अरनाकुलम की टिकट देना। क्यों काशी? हाँ आज जाने में देर क्यों हो गई? आज फ्राइडे है, हाँ? घर के मुर्गे का मौन व्रत है, मुर्गे ने आवाज नहीं दी इसलिए लेट हो गया। सुनिए ना, इन्हें बैठने के लिए जगह दीजिए। हाँ, नहीं नहीं उन्हें क्यों तकलीफ देना भाई, हाँ। तुम मेरी सीट पे आ जाओ। हाँ। अरे नहीं नहीं तुम आराम से बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ, सीट मिलने की चिंता मुझे क्यों होने लगी, MLA MP हो गया। सुनो काशी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कूलिंग ग्लास ला के दूंगा, ये लो मैं लेके आ गया, ये पहन के देखो। मैं कैसा लग रहा हूँ? पूरे रजनीकांत लग रहे हो तुम। कोलाईकरण पट्टी वाले उतर जाओ। ये बस कहाँ जा रही है? ये बस शमशान घाट जा रही है, चलो 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 उतर जाओ। ये पर्सनैलिटी काफी है, फिल्म में एक्टिंग कर सकते हैं। लफंगा कहीं का, किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते। क्या हुआ उसे मारा क्यों? ये बहुत देर से मुझे घूर घूर के देख रहा था। क्या घूर के देख रहा था? तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये बेचारा देख नहीं सकता, ये बेचारा तो गाना गाकर अपना गुजारा करता है और तुमने इसे थप्पड़ मार दिया, कैसी लड़की हो तुम? छे अरे छोड़ो, मुझे नहीं दिखता ये, इसे कैसे मालूम, कमाल बोला था। सच में मुझे मार कमाल की पड़ी, अब तक सिर्फ मेरी नजर ही नहीं थी, अब मेरा कान भी रिपेयर हो गया। सॉरी जी, आप चश्मा पहने थे इसलिए मैं समझ नहीं पाई। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे नजर नहीं है लेकिन मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथों से लाफा पड़ना मेरी किस्मत में लिखा है। हे गणपति बप्पा मौर्या, हे गणपति बप्पा मौर्या, हे गणपति बप्पा,
आपको सब तो केवल मोदक ही प्रसाद में देते हैं, लेकिन मेरी तरह आपको कोई भी इडली वड़ा का प्रसाद नहीं चढ़ाता है। आज धंधा बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। सुनो भाई, क्या है? सांभर नहीं दिया। सुनो, तुमने केवल इडली दिया, सांभर नहीं दिया? अबे वहाँ कर क्या रहे हो तुम? साहब जी, आप इज्जत से बात करिए। आप हमेशा सुबह सुबह मुर्गे की तरह चिल्लाने लगते हो। अच्छा, तुम्हारे चलने के स्टाइल के लिए तुम्हें इज्जत चाहिए? ये क्या है, चलते समय तुम्हारा आधा सामान तो नीचे गिर जाता है। देख के चलो। ए, दुकान का मालिक मैं हूँ या तुम हो? ढंग से काम करो, नहीं तो डिसमिस कर दूंगा। बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, ये मुझे डिसमिस करेंगे। ये नौकरी छोड़ूंगा तो दूसरी लग जाऊंगा। कोई भी नौकरी ना मिलने से तुम यहाँ पर पड़े रहते हो, आधा पेट खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे खाना नहीं देंगे। भाई बताओ, सांभर कैसा है? बहुत मस्त है। अच्छा, आखिर मेरे होटल का सांभर है, अच्छा तो होगा ही। दूसरे होटल में सांभर को छूने के लिए सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लोटा भर के पीते हैं। वैसे हमारे यहाँ के सांभर की तो बात ही अलग है। आहा, बहुत अच्छा है। साहब जी, एक मिनट, चलिए मेरे साथ। अरे मेरी आंख में आ गया। सांभर में ना चिपकली गिर गई। सांभर में चिपकली? सिर्फ एक चिपकली नहीं, पूरा का पूरा परिवार एक साथ अंदर कूद गया। आराम से। ये क्या है, एक से जैसे पानी निकालते रहते हैं। चलो उतरो उतरो, हरसम पट्टी वाले जल्दी उतरो। आ जाओ, उतरो उतरो उतरो। ये लीजिए। ये पांच रुपए किस लिए जी? कोई बात नहीं, रखिए। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, परिवार की तकलीफ दूर करने के लिए मैं गाना गाता हूँ। ये पैसे आप रखिए। हाँ काशी, हाँ संभाल के, आराम से आओ। भोपाल, ये लो लकी चश्मा। हाँ। किसी को भी मत देना। हाँ। चाहे तो तुम ही पहन लो। सुनो काशी, तुम्हें थप्पड़ मारने के चक्कर में उसने तुम्हारा चश्मा तोड़ दिया तो बुरा मत मानना। दिल पे मत लो भाई, मुझे पड़ी मार का अभी भी दर्द हो रहा है। ए, बस को धीरे चला, इंश्योरेंस नहीं और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है।